नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वरानसिपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकलभम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्यते ऋतं पुमान भवाद्धिं न तरेत स्वात्मा निदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्यते ऋतं पुमान भवाद्धिं न तरेत स्वात्मा गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए भगवान कृष्णचंद्र परात्पर अखिलेश्वर हमारा तमाम मंगल का सारे जुमा जिनके जिनके कर्म दिया उस गुरु चरण में अगर हम संपूर्ण शरणागत हो पाए तब ही मैं शिष्य कहलाने का यज्ञ हूँ। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए भगवान परात्पर अखिलेश्वर कृष्णचंद्र हमारा तमाम मंगल का जुमा जिसका कर्म दे के रखा है वही श्री गुरु चरण में गुरुपाद पद्म में अगर हम संपूर्ण शरणागत हो पाए तब ही मैं शिष्य कहलाने का योग्य हूँ नहीं तो नहीं। गुरुपाद पद्म हमारा मंगल का लिए जो व्यवस्था किए हैं विदाउट एनी आर्गुमेंट कोई भी विचार बुद्धि छोड़कर नतमस्तक ये अपना जिंदगी में कर्तव्य प्रकृत शिष्यों का यही काम है अगर ना करे तो अमंगल अवधारित निश्चित अमंगल। गुरुवानुगत्व में दुनिया का सारी चीजों को गुरु सेवा को उपकरण समझे तो ये बढ़िया बेहतर बहुत सुंदर दर्शन। ये जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो तमाम चीजों को गुरु सेवा को उपकरण समझे ये गुरु सेवा का वस्तु है ये मेरा भोग्य वस्तु नहीं है ऐसा अगर समझे तो ठीक है एकदम बढ़िया दर्शन। ऐसा दर्शन पक्का दर्शन तमाम चीजों को गुरु दर्शन करना अर्थात
गुरु सेवा को उपकरण दर्शन करना, गुरु दर्शन करना, ये बड़ा ऊंचा दर्शन है। और लघु दर्शन करना मतलब हमारा भोग का समान, ऐसा अगर विचार करे तो ये दर्शन बद्ध जीव को और नीचे 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 फेंक देने के लिए ले जा रहा है। वास्तव शिष्य अंतर बाहर हर वक़्त हर चीज़ों में गुरु दर्शन करते रहते हैं, इसका लघु दर्शन नहीं है। जब तक हमारा जिंदगी में एक वास्तव लक्ष्य नहीं है तब तक द्वंद्व भूमिका, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, जब तक हमारा जीवन जिंदगी में एक वास्तव लक्ष्य वस्तु ना हो, जब तक हमारा जीवन जिंदगी में एक लक्ष्य वस्तु ना हो एकमात्र, तब तक द्वंद्व भूमिका, द्वंद्वमय भूमिका मतलब शोक भूमिका, कभी इधर कभी उधर, कभी खोना कभी पाना, कभी रोना कभी हंसना, द्वंद्वातीत भूमिका पर ले अपने को ले जाना जरूरी है। शोकमय भूमि, शोक दुख भोग ये रहेगा, जब तक द्वंद्वमय भूमि है, द्वंद्वमय भूमि में हर वक़्त शोक दुख ये सब लगे रहता है, इसका कोई सलूशन नहीं है। मुक्ति पाने पर तो एक ही रास्ता है, चित्तों को द्वंद्वातीत भूमिका में ले जाना, मुक्ति मिलने का एक ही रास्ता है। द्वंद्व का उतीत एक महत्तम भूमि है, जहां कोई चाहत नहीं है, कुछ नहीं है, संतुष्टि संतुष्टि है। संतोष जिंदगी का सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा लक्ष्य वस्तु पक्का है, वास्तव अनित्य वस्तु में अगर हम आशा करें तो इसमें कोई फल नहीं मिलने वाला। नित्य वस्तु जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति, जस्मिन ज्ञात्वे सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, और जंग लब्ध्या चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा। जिस भूमिका में पहुंचने का बाद, जिस वस्तु को प्राप्ति करने का बाद, जंग लब्ध्या चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा, जिस वस्तु को प्राप्त करने का बाद और दूसरा कोई चीज प्राप्ति होने का कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। द्वंद्व भूमिका में घात प्रतिघात है, घात प्रतिघात आघात तावत भयम दबिन देह सुहित निमित्तम तावत शोकस प्रिया परिभव विपुलश्च लोभ। ये श्लोक का चर्चा किया था, तावत मम इति असत अवग्रह आदि मूलम जावन न ते अंग्रिम अभयम पब्रिणीते लोका। तावत भयम दबिन देह सुहित निमित्तम, भय शोक द्वंद्व लड़ाई सब रहते ये तो लगे रहेगा। तावत भयम द्विन देहो स्वित निमित्तम, तावत स्पोको शोको स्प्रिया परिभव विपुलश चलो, तावत ममो इति असत अवग्रह आर्तिमूलम जावन नौते अंग्रिम अभयम प्रवृणित लोका।
जब तक अभय पद को ना प्राप्त करे तब तक ऐसा ही बेचैनी बने रहे, कोई समाधान नहीं। ये जगत में, माया जगत में बहुत सारे वस्तु है, बहुत सारे ऑफर है, लुक्रेटिव ऑफर, हमको लुभाने वाले बहुत सारे चीज, तमाम माया देवी एग्जीबिशन खोल के रखे है मार्केट। इन चीजों में अगर हम फंस जाए तो तत्व ज्ञान प्राप्ति होने का कोई चांस ही नहीं। कोई आत्मवस्तु, बृहद वस्तु, तत्व वस्तु, अद्वैत तत्व ज्ञान का ओर जब नजर जाए तब समाधान। कोई काल चर्चा कर रहा था, वहां जो अर्जुन कह रहे हैं भगवान अर्जुन शोक विमोहित चित्त, और भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र नमयति। ये शरीर जो है पांच भौतिक, ये शरीर में भी जन्म लेना, मातृ जठर में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे ये शरीर में धीरे 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 बाल अवस्था, उसके बाद पौगंड, उसके बाद किशोर, कौमार, यौवनं जरा। भगवान बोलते हैं ये एक शरीर का अंदर, एक शरीर का अंदर इतना परिवर्तन। ऐसे विचार करें तो एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारा शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम सारे परिवर्तन होते रहते, पता नहीं चलता। भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा शरीर का अंदर जन्म से लेके इतना परिवर्तन हो गए, उसके लिए आप रोया है क्या? आप ऐसा ही एक चीज है जौवन से बुढ़ापा, उसके बाद मौत का गोदी में ढल जाना और दूसरा एक शरीर प्राप्त करना, ये तो स्वाभाविक है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमयति नमयति। तो अगर ऐसा ही नियम है प्रकृति का तो इसमें मोहित होने वाला तो कोई है नहीं। धीर व्यक्ति इधर धीर व्यक्ति बोलने से अपना जो शरीर है, ये शरीर का प्रकृति का जो नियम है, इसमें जो मोहित नहीं होते, मतलब ये सब जानकारी है। ये माया देवी का, माया का, प्रकृति का जो नियम है, शरीर का जो परिवर्तन, सब कुछ अनित्य वस्तुओं का जो परिवर्तन, इसमें जिसका पूरा विचार बनता है पूरा, वो उसको धीर बोला जाता। मुचिकेता बोल के एक भक्त उपनिषद में आता है, पिताजी को देखे कि पिताजी यज्ञ कर रहा है, यज्ञ का बाद सारे जीर्ण शीर्ण एकदम रुग्ण, गो माताओं को दान कर रहा है, डोनेशन में दे रहा है। ये तो ये गो माता जो है एकदम बहुत हालत खराब, इनको दान कर रहे हैं सब, बहुत सारे गो माता दान कर रही। और मुचिकेता का अंदर दुख हो गया, अरे क्या बात है, ये सब गो माता दान कर रहे हैं पिताजी,
तो उसके बाद मुचिकेता बच्चा है, बोलते रह गए, पिताजी हमको किसको दान करोगे? पिताजी उत्तर नहीं दिए, बार बार पूछते रह गए, पिताजी हमको किसको दान करोगे, पिताजी हमको किसको दान करोगे, ऐसा बार बार बोलते बोलते गुस्से में आकर कहते, तेरे को जमराज को दान करेंगे, जा। जब जमराज को दान कर दिया, ठीक है, जमराज को दान कर दिया, ठीक है, मचिकता जमराज जी का ठिकाना लेके चल पड़े। तो आज का कहानी नहीं है, सत्यजी को बहुत पावर है उस समय में, ये आलतू फालतू बच्चा नहीं, ऋषि का बच्चा, जैसे श्रृंग ऋषि समिक मुनि का सांप दे दिया, या 7 दिनों के अंदर सांप डांसे का तक्षक दंशन करके, तो सच्चा हो गया। ब्राह्मण वैष्णव जो पक्का ब्राह्मण वैष्णव है, इनके जो वचन है, वचन का अंदर, वचन का अंदर सच्चाई छुपा हुआ है। जैसे ऋषि मुनियों ने द्वारिका धाम को पधारे, द्वारिका धाम में जाकर भजन किए उद्यान में, और जदुवंशी बच्चा लोग सब मजाक उड़ाने के लिए इधर उधर खेलते 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 वहाँ पहुँच गए, और शाम्बो को बहुत सुंदर दिखने में, शाम्बो को लड़की जैसा बनाए, पूरा कपड़ा वपड़ा दे के पेट में, वो जाके ऋषि मुनियों के बाद मजाक उड़ाया, महाराज दंडवत अब आपके पास आया कि ये जो जनानी है इनके संतान स्वभाव, संतान संभव, इनके लड़का और लड़की कौन प्रसव करेगी, ऐसा करके मजाक उड़ाया। ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे मजा कर रहा है, इतना हिम्मत, जा इसका गर्भ में मुसल पैदा होगी। अरे महाराज बोलने का साथ साथ हाथ लगा के देखा, सचमुच मुसल है पेट में, अरे राम राम। और मुसल प्रसव की, भरा सभा में, द्वारिका का सभा में, सुधर्म सभा में जाके हैरान होके बताया, ऐसा ऐसा हमने खेल खेल में ऐसा मजाक किया और ऐसा हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही है अंतर्यामी, वो अपने आप ही करवाए ये काम को। मेरा कहने का मतलब है, ऋषि मुनियों का, ब्राह्मण वैष्णवों का इतना पावर, जो कहे वही सच हो जाए। बेन राजा को तुरंत श्राप दे दिया, जा, तुरंत मर गया, जल के मर गया। मतलब जो वाणी है, वाणी का इतना पावर है, वाणी मतलब जो निकला जवान से वो सच्चा, सच्चा मतलब, सच्चा मतलब जो बोला वही है, मुसल तो मुसल ही है, मर गया तो मर जा तो मर जाइए। अब जब मुचिकेता को ऐसा आदेश मिला, जब तेरे को दे दिया जमराज, जमराज का घर में पहुंच गए, जमराज किसी काम के लिए 3 दिन के लिए बाहर गए, और मचिकेता 3 दिन 3 रात इंतजार किए, ये महाजन का दर्शन के लिए कुछ बातें पूछने हैं। ऐसा 2-3 दिन गुजर गए, उसका बाद जमराज जी पहुँचे, अरे आप, बोले हाँ हम आए आपका दर्शन के लिए, थोड़ा बातें हैं। अरे कब आए? बोले 3 दिन। अरे आप अतिथि हो मेरा, अरे 3 दिन आप इस भूखे प्यासे, चलो ठीक है आपको हम वर दे देंगे 3। ये कष्ट किए, हमारा तो अपराध, ठीक। तो नचिकेता को पूछा, तो तुमको क्या वर चाहिए? ऐसा करते करते 1 बार 2 बार 3 वरों में, 3 बार मंगा, 3 बार में, अंतिम बार में बोला, आत्मा का गति क्या है, आत्मा का रहस्य क्या है, बताओ।
मुझे कहते बोले अरे ये हैरान करने वाले पुरुष, ना 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 ये दूसरा कुछ मांगू आत्मा का तत्व के बारे में बताओ। बोले ना दूसरा कुछ बताओ, कुछ भी बताओ, हाँ हम दे देंगे तुमको कुछ भी। राज्य राजधानी सुख सुख संपत्ति कुछ भी हो, बोले हम ये क्या करें, ये तो दो दिन का है जिंदगी, ये सब लेके मैं क्या करूं। आत्मा का गति अब बताओ, आत्मा का जो रहस्य है। जमराज जी तो हैरान हो गए, बोले बच्चा है लेकिन इसका तो इस मानेगा नहीं। अंतिम में बोले देखो ये बड़ा सीक्रेसी है, आत्मा का गति अत्यंत रहस्यमय है और बोल के आत्मतत्व का उपदेश दे दी और ये भी आशीर्वाद की जो अगर जाग यज्ञ हो नचिकेता बोल के ये अग्नि का संस्थान भी होगी यज्ञ में। आत्मा का गति इतना गंभीर है जो कोई भी विचार करके जानने का कोशिश करे फिर भी जान नहीं पाते। जो श्लोक देके शुरू किया निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुण धारम, ये पक्का बात है भागवत के जी। ये नर, ये जो शरीर है नर शरीर, ये तो अनित्य है ही है, फिर भी अनित्य होने से भी ये शरीर को बाजी लगा के गुरु वैष्णव का अनुगत्य में तत्व ज्ञान का प्राप्ति कोई असंभव नहीं है, हर हालत में संभव है। खनभंग निष्ठम, कभी मर जाए कोई ठिकाना नहीं है। अरे ये शरीर बड़ा काम का है, निदेह माध्यम सुलभम, अब ये शरीर मिला, मिलना असंभव है। 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते ये मानव जन्म प्राप्त होना ये कोई मामूली बात नहीं। और अगर गुरु कर्ण धारम, ऐसे तो भगवान परमात्मा का रूप में हृदय में अधिष्ठित है, रास्ता दिखा रहे हैं। नैया को हमारा शरीर का जो नैया है वो पार करने के लिए लगे हुए हैं। और ये शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास प्रचेष्टा नहीं किया हो तो इससे बढ़कर दुख की बात तो कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि इतना सुविधा, प्राप्त करने का बाद भी हम मंगल का रास्ते पे गया नहीं। काल ये बता रहा था जजाति का, देखो काल ये मायावादी का जो विचार है आत्म तत्व का, ये बाल रहा, ये हम विचार कर रहा था। बलदेव जी महाराज बलदाव गुरु रूप में हैं और यहां विचार है कि भीष्म पितामह तो बुढ़ापे में आ गया जरा जीर्ण, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब तो बड़े बूढ़े हैं, कभी मर जाए। और युद्ध क्षेत्र में अगर मरे और आपका इतना शोक का क्या कारण हो सकता, क्योंकि शरीर तो जाने वाला ही है। जैसे कि जजाति राजा, शुक्राचार्य जी ने साप दे दी ये तेरा बुढ़ापा आ जाएगा, उस टाइम में जजाति अपना किए हुए कर्म का फल भोग रहा है, अब क्या करे,
बुढ़ापे आ गया। और इस समय में जजाति का अंदर में कामना वासना तो पूर्ति नहीं भाई, पूरा भरपूर है कामना वासना। क्या किया जाए? जजाति सोच में पड़ गए कि हमारा ये काम वासना जो है, कोई कामना वासना कोई पूर्ति नहीं भाई, अब तो बुढ़ापा आ गया, साप दे दिया। इसी अवस्था में क्या किया जाए? अपना लड़काओं को प्रार्थना किए जो कोई हमारा ये बुढ़ापा लेने की ये तैयार है, क्योंकि साप कोई कुछ ऐसा है कि कोई हमारा बुढ़ापा को लेना चाहे और अपना जवानी को देना चाहे तो दे सकता है। तो लड़काओं को पूछा, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन छोटा लड़का जो है पुरु, ये लेने के लिए तैयार है। अपना लड़का का जवानी लेकर मजा मस्ती किए। अंतिम में ठाकुर जी का कृपा से अंदर में ऐसा वैराग्य को प्राप्त किए कि मत पूछो। कहने का मतलब यह है कि जो शरीर के लिए, जो अनित्य वस्तु के लिए शोक करना उचित नहीं है, तुम उसी सोच में लगे हुए हो। धीर मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है? जो शरीर का स्वभाव, कर्म का विपाक, ये प्रकृति का नियम, ये सब सारे जानकारी जिसको है ये बुद्धिमान है। इसका अंदर में शोक कभी नहीं आने वाला है। और यहां एक बात बनता है, ये एक वचन व्यवहार किया, देही नह देहिनो अस्मिन देहे कौमारम जोवरम यथा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर स्तत्रोण मयति। आत्मा को बहु आत्मा, एक आत्मावाद नहीं है। मायावादी का विचार है एक आत्मावाद, एक आत्मवाद। लेकिन शास्त्रों का विचार है अद्वैतवादीगण ये विषय आत्मैकत्ववादीरा अथवा अद्वैतवादी एक एव विशुद्ध आत्मा ऐसा विचार बनाते हैं। आत्मा एक ही निरुपाधिक, ये आत्मा बहु 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 रूप में, बहु बहु रूप में प्रतिभात होने वाला है। जैसे काल उदाहरण दिए, आसमान में एक सूरज भगवान और हजारों जलपत्र अगर रखा जाए, हजारों शीशे का टुकड़ा रखा जाए, हर एक एक घट में पात्र में अलग अलग सा प्रतिफलन दिखाई पड़ेगा। ऐसा करके मायावादी लोग कहते हैं कि एक एव विशुद्ध आत्मा, आत्मा एक ही निरुपाधि, बहु रूप में प्रतिभाद होने वाले हैं। ऐसे ये लोग कहते हैं कि अविद्या के द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंबित आत्मा का प्रतिबिंब भेद नानात्व विभ्रम बहुत सारे दिखाई पड़ता, लेकिन शास्त्रों का विचार के अनुसार ये नहीं है। और इधर जो देहीन ये पद एक वचन का व्यवहार है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय जातिवाचक विशेष है। जैसे हाथी बोल दिया तो हाथी का पूरा जाति, मानव बोल दिया पूरा मानव जाति, ऐसा वह जाति अभिप्राय के अनुसार ये व्यवहार किया गया। इसका मतलब नहीं एक ही है आत्मा, भगवान
जब कह रहे हैं तो इसमें कुछ खास विचार है, ये विचार को ना समझे तो उल्टा ऐसा करके ठाकुर जी समझा रहे कि देखो अर्जुन, इसमें आत्मा तो नित्य है और तुम्हारा युद्ध करना जरूरी है, तुम युद्ध करो, तुमको क्या, तुम्हारा युद्ध करना फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य, तुम क्षत्रिय हो। और दूसरा श्लोक में 14 नंबर श्लोक में कथा बताए, ये मात्रा स्पर्शास्तु कुंतियो शीतुष्णो सुख दुखदा आगमो पाइनो अनित्वास्तांग तितिक्ष भारत। मात्रा स्पर्श में, मात्रा स्पर्श के माने हैं ए मियते गयंते विषया अभी रीति मात्रा इंद्रिय वृत्तयो त्वासम स्पर्शः विषयोय सहो संबंधः। सिद्ध स्वामी जी ने मात्रा मीन इंद्रिय वृत्त समूह, हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं, इंद्रिया का एक एक कत्ते रिस्पेक्टिव वृत्ति है, ये जो है शब्द स्पर्शो रूप रस गंधो स्पर्श तन्मात्रो, मात्रा स्पर्शा मतलब इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला चीज है, रेस्पेक्टिव जो चीज है मात्रा स्पर्शा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो तन्मात्रो, शब्द तन्मात्रो। तो ये जो मात्रा स्पर्शस्तु हे कंतियो, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शस्तु कंतियो शीतुष्ण, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि इसका काम ही है शीतुष्णो सुख दुखदा, ये तो करेगा ही, आने वाला ही जिंदगी में, कभी शीत आए कभी उष्ण, गर्म आए गर्मी आए कुछ ठंडी आए, सुख आए दुख आए, मान आए अपमान, इस मान अपमान दूसरा चीज है, जो भी है ये यहाँ मात्रा स्पर्शा अर्थात इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला। यहाँ भगवान अर्जुन के बताया देखो आगम पाइनो, ये तो आता ही आता है, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये आता ही आता है, इसका काम ही है कभी आना कभी जाना। अब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम उपेत्तो तु कुंतियो पुनर्जन्मो न विद्यते। दूसरा जगह बताए ये गीता में, ये विषय भोगों के पीछे, ये विषय भोगों के पीछे दौड़ते दौड़ते अब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो, ऐसे ही दौड़ते रहता है, चक्कर काटते रहता है। अब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक ये विषय भोगों के चक्कर में दौड़ते दौड़ते अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, ये चक्कर काटते रहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर, कभी मौत और शरीर प्राप्त हुए, अभी शरीर छोड़ दिए फिर शरीर प्राप्त हुए, लेकिन हमको प्राप्त करने का बाद कौनतेय पुनर्जन्म न पिता, तब तो आज जन्म मरण का चक्कर में जाने का कोई दरकार नहीं मेरे को प्राप्त करने का बात। लेकिन ये जो मात्रा स्पर्शस्तु कौनते हो शीत उष्ण सुख दुखदा, ये सुख दुख जो है मन भी इंद्रियों का अंदर है, इसलिए इसको भी गिनती किया जाएगा, जब भी मन को देखा नहीं जाए, पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो, फिर भी मन को भी एकादश इंद्रियो माना गया शास्त्रों में, इसलिए सुख दुखों भी हमने बताया मात्रा स्पर्शास्तु कंतियो शीतोष्ण सुख दुखदा, कभी सुख कभी दुख, शीत गरम, आगम पाइनो, ये आता जाता है, अनित्वा अनित्वा स्वांत दीक्ष भारत, इसको सहन करना जरूरी है, इसको सहन करना जरूरी है, क्योंकि जीते जी इसको सहन करोगे
तो बाद में बताया जाएगा, देखो अगर ये सब सहन करने का हिम्मत तुमसे तुम में है तो बहुत अच्छा, इसको तैयार करो। मात्रा स्पर्शो जो है इसको अगर सहन करो तो जीते जी इस जन्म में ही आपको अमृत मिलने वाला है। ये शरीर रहते हुए ही अगर हमको ये सब चीजों से मात्रा स्पर्शा सुख दुख इससे छुटकारा मिले तो इसका मतलब अमृत मिलना। तितिक्षा मतलब है सहन करना असंभव है फिर भी जबरदस्त सहन कर लेना, एक तितिक्षा है। अगर अगर अर्जुन कहे आत्मा अनिश्चय ठीक है मान लिया, आप कह रहे हो किसी का मौत आपका शोक का कारण क्यों बने, अकर्तव्य उचित नहीं है, किंतु लेकिन सजन बांधव अगर चले जाए जगत से, हृदय तो नहीं मानता, हृदय तब दारुण दुख और शोक के द्वारा विमोहित हो जाता है, ये तत्व कथा सुनना नहीं चाहता। जब ऐसा कोई स्थिति जीवन जिंदगी में आ जाए तो तत्व कथा तो है ही है लेकिन तत्व कथा ठहरता नहीं। क्या करें हम, इसका उपाय क्या है? अंधो धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर जी महाराज को आप जो कहते हो कि पक्का ठीक बात है लेकिन दिल मानता नहीं, क्या करूं, ये बद्ध अवस्था। दिल तो मानता नहीं, क्या करूं जनार्दन, आप तो कह रहे हो को अनित्य है, सहन करो, सहन करना जरूरी है लेकिन दिल तो मानता नहीं, क्या उपाय क्या है? इसका उत्तर देने के लिए कह दिया कि विषय स्पर्शों के द्वारा जो सुख दुख आदि जो मिलने वाला है वो तो अनित्य है, आता है जाता है ठहरता नहीं, इसीलिए इसका सहन करना कर्तव्य है। शरीर में ठंडी ठंडा पानी, हिमालय का ठंडा पानी अगर लगे तो शैत्य अनुभव हो लेकिन वो भी अनित्य है। वह सहन करने का जिसका अभ्यास बन गया और कष्ट नहीं होता। हमने गोमुख से भी ऊपर एकदम पहाड़ी चट्टी में कई किलोमीटर अमर गंगा ऊपर वहां पहुंचा, वहां स्नान किए, अभ्यास किए, ठंडा पानी में ठंडा लगता है, गर्म पानी गर्म लगी तो स्वाभाविक है, लेकिन ये सहन करने का अगर अभ्यास बन गया। अब कितना सारे संत महात्मा दिखाए महाराज पानी में गोता लगाकर तपस्या कर रहे हैं, एक लोटा गर्म दूध पी लिया सुबह में बस पानी में कूद कर तपस्या, हम क्या कर रहे हैं, बोले तपस्या कर रहे हैं। सहन करने का जो अभ्यास है करने से दुख नहीं चलेगा। गर्मी में रहने का जिसका अभ्यास बन गया उसको एसी से क्या मतलब है उसका। सो सजन बांधव जाने से तो दुख अनिवार्य है लेकिन फिर दुख जो है अनित्य है, इसमें अविचलित रहना स्थिर रहना यही कर्तव्य है। अगर ये प्रश्न उठाया जाए जे शरीर का साथ पानी का संगठन हम निवारण कर देंगे,
हम क्यों सहन करेंगे? अरे ठंडा पानी लेना क्या जरूरी है? शरीर में नहीं देंगे ठंडा से, इसमें ही तो होगा। ऐसा अगर युक्ति किया जाए, हम शरीर का साथ पानी का संयोग क्यों विधान करें? समाधान पहले ही कर दें, दुख सहन करने का क्या मतलब है? इसका पहला उत्तर है, निवारण करने से यदि अगर अधर्म हो तो सहन करना जरूरी है। समझा नहीं? एक उदाहरण दे दे मिसाल। निवारण करने से यदि अगर अधर्म पैदा हो तो क्या सहन करना जरूरी है? नहीं, सहन को जरूरी है। जैसे माघ महीना में ठंडी के मारे कोई स्नान करने के लिए गया कि किया नहीं, माघ महीना का टाइम पे स्नान करना जरूरी है, ये भी धर्म कर्म का अंदर है, और किया नहीं तो ये अधर्म हो गया। पानी का और गया और डर के मारे चले आए, ठंडी के मारे ना 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 नहीं ना ना ठंडी लगे, तो इसमें क्या है? निवारण करने का विषय अगर चिंता करो, उसमें अगर अधर्म हो तो निवारण नहीं करना, सहन करना ये जरूरी है। जैसे आप युद्ध क्षेत्र में हो, अर्जुन तुम युद्ध क्षेत्र में उतार आए हो, वह आत्मीय हमारा सगे संबंधी रिश्तेदार मारा जाए, इसके डर के मारे आप युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो, युद्ध जिसका धर्म है, आत्मियों का हमारे रिश्तेदारों का बड़े बुरे का मरने का जो तुम्हारा अंदर में डर है, इसमें युद्ध नहीं करना, ये अधर्म हो गया। इसलिए मात्रा स्पर्शो ये जगत में अनंत ब्रह्मांड में ये सारी जो अनित्य वस्तु है, आज सुख काल दुख है, काल दुख है परसु सुख है, ये सारी चीज जो है ये अपेक्षिक है। उस दिन भी उदाहरण दे के दिखाया, जो हमारा लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दुखदायक है, जो हमारा लिए दुखदायक है दूसरे के लिए सुखदायक हो सकता। मैन टू मैन उस पूर्व जन्म का जो संस्कार है, संस्कार का अनुसार जो शरीर मन का अनुकूल में आता है उसको, वो व्यक्ति वो चीजों को सुख सुखी होता है, और पूर्व संस्कार के अनुसार जिस वस्तु व्यक्ति और अवस्था में अपने को दुखी मानता है, मतलब ये इसमें उसका अच्छा नहीं लगता दुख सिचुएशन जो है, ये सुख दुख का डेफिनेशन वास्तविक नहीं है, इसी को ही डेफिनेशन माना जाए, क्योंकि भूत भर्त भूत भविष्यत वर्तमान इत्रिकाल का जो बैकग्राउंड है प्रेक्षापट, इसमें इसका कोई वास्तविक एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसका वास्तविक सुख दुख बोल के कोई चीज है ही नहीं। अपेक्षिक रूप में जो दिखाई पड़ता वो सुख वो दुख है, लेकिन नित्य सुख जो है, नित्य सुख जो है वो अलग चीज है। ट्रांसेंडेंटल ब्लिस अप्राकृत सुखानुभूति। अगर आपका ये राधा रानी रोते रहती है कृष्ण का लिए तो दुखी है, माने ये दुख है, ये अप्राकृत दुख है, ये सुख का ही दूसरा पार्ट है। दुख है तो सुख को प्राप्ति करने का मजा है, मिलन और विरह। अगर आप अप्राकृत जगत का उदाहरण देना चाहो तो ये गलती आपका, कि अप्राकृत जगत में रोना 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 यही मजा है। अरे मजा है रोना, यस,
गौड़ीय भजन का, तमाम गौड़ीय भजन का यही रहस्य है। विप्रलम्ब भजन, हर वक्त रोना आता है, यहां रोना ही भजन है, रोने से ही अमृत मिलता है। बहुत दिन पहले हम गुरु वैष्णव का विरह तिथि में ये चर्चा की, बहुत दिन पहले, और समय आए तो करना जरूरी है। ये प्राकृत जगत में जो हमारा विरह तत्व है, पिताजी चला गया, माताजी चली गई, भाई बंधु चले गए, तो रोना तो आएगा, लेकिन इसमें जितना रोना धोना करोगी, इतने इसमें जितना रोना धोना करोगे बा करोगी, उतना ही तुम्हारा लिए बंधन है। ये जड़ जगत का ये नियम है, जड़ जगत का विरह तत्व ऐसा है, इसमें जितना रोगे, जितना रोगे उतना ही बंधन है, उतना ज्यादा बंधन, क्योंकि जड़ जगत नेगेटिव वर्ल्ड है। लेकिन अप्राकृत जगत का गुरु वैष्णव भगवान, इनके लिए अगर आप आपको रोना आता है, तो एक बूंद पानी जो है अनमोल संपत्ति बन के रह जाएगा, एक बूंद पानी। यहां रोने का मतलब संयोग है, विरह अनुभूति मतलब आपका संयोग है, आपको वो गुरु वैष्णव का स्मृति के द्वारा, भगवत स्मृति के द्वारा आप जोड़ जाओगे नित्य जगत के साथ। तो आप प्राकृत जगत का जो विरह तत्व है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, अहो भाग्य से किसी को जिंदगी में प्राप्त होता है। इसमें आनंद ही आनंद, इसलिए गुरु वैष्णव का विरह तत्व का बारे में हम लोग कहते हैं कि विरह महो महोत्सव। अरे महाराज, विरह विरह महा महोत्सव, विरह क्या महोत्सव होता है क्या? बोल हाँ, यहाँ प्राकृत जगत में विरह महा महोत्सव होता है। प्राकृत जगत में अर्जुन जैसे रो रहा है, अर्जुन को इसी भूमिका में खड़ा करके ठाकुर जी सारे जवाब दे रहे हैं, ठाकुर जी सब जवाब दे, अर्जुन को खड़ा कर दिया इस प्लेटफॉर्म में, नहीं तो हमको जानकारी कैसे मिले। मात्रा स्पर्शास्तु कुंतियो शीतोष्णो सुखो दुःखदा आगम पाइनो अनित्वास्त्वांग तितिक्ष भारत। इसको सहन करना जरूरी है, सहन करो। तमाम दुनिया में ऐसा ही हालत है जैसे अर्जुन का है, और भगवान श्री कृष्ण बताए कि जंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव समो दुख सुखम धीरम सो अमृतोत्ताय कल्पते। पहले बोला ये सब तितिक्षा सहन करना असंभव है, लेकिन फिर सहन करो, समझो, अपन को संभालो, तत्वों को समझाओ, तत्वों को समझो और अपने को बस में लाओ। तम तितिक्षस भारत, क्यों करे? पर जब जब कोई आदमी ऐसा करे, हे कंतियो, अगर किसी का हिम्मत है वो कर लिया तो उसको अमृत मिलने वाला है। अमृत क्या चीज है? जंग ही नवैथेन तेते पुरुषम पुरुष सब समो दुख सुखम धीरम सो अमृतोत्ताय कल्पते। जो स्थिर बुद्धि वाले आदमी ये सब स्पर्श विषय जनित सुख दुख एकदम अविचलित रूप में ग्रहण करता है, समभाव में ग्रहण करके उसमें विचलित नहीं होते, वो अमृत लाभ के लिए
यज्ञ है ये अमृत को प्राप्त करते हैं, ये अमृत को प्राप्त करते हैं। काल पशु ये चर्चा किया, देखो ये शरीर रहते हुए इसको सहन करना इक्विपस्ट कंडीशन जरूरी है। ये शरीर रहते हुए यही बतैर्यितम, याद करके देखना काल बता, यही बतैर्यितम जेसाम साम्य स्थितम मनहा, ये जीते जी जिसका मन काबू में आ गया बैलेंस अवस्था में, यही बतैर्यितम जो मन को जय कर लिया मतलब प्रकृति का प्रभाव से हटा लिया, ये क्या है यही बतैर्यितम जेसाम साम्य स्थितम मनहा, जिसका मन इक्विपोइज्ड बैलेंस कंडीशन में पहुंच गया, किसी भी हालत से हिलने वाला नहीं है। हे अर्जुन सुनो, जंग ही न व्यथन्ते व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष सब पुरुष ऋषभ, इसलिए पुरुष सब मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष इन सब अनित्य सुख दुख सम भाव गोहन करने के लिए तैयार बैठा है, यंग ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष सब समो दुख सुखम धीरम सो अमृतताय कल्पते, वो अमृत प्राप्ति करने का योग्य है अर्थात अमृत प्राप्त करके रखता है। अब अमृत क्या है, भगवान क्या कहना चाहता है, ये शरीर स्थूल शरीर स्थूल शरीर ये कभी भी नित्य काल रहने वाला नहीं, ये जाना ही है। ये शरीर लेकर इस संपत्ति आदि को लेकर हम अमर बन के रहे ये संभव नहीं, ये मर्त लोक है या सब मरणशील मरना ही है, मौत का कोई सलूशन है नहीं। तो ये स्थूल शरीर को नित्यकाल हम दबा के रखेंगे इसको अमृत बोला जाए, मना हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पांच भौतिक शरीर तो नाशवान है मृत्यु का अधीन, जात से ही ध्रुव मृत्यु हो मृत्यु है और ध्रुवम जन्मो मृत्यस्य च, जात से ही ध्रुव मृत्यु हो जन्म होने से ही मौत उसका साथी पैदा, मृत्यु जन्म बतांग वीरो देहेनो सह जायत, कल चर्चा किया था मौत तो शरीर का हुआ, इसका बाद जो सूक्ष्म शरीर है ये चलते रहेगा, सूक्ष्म शरीर अपना पूर्व संस्कार के अनुसार दूसरा कोई जोनी में प्रवेश करे और फिर एक नया शरीर को प्राप्त करके वो निकल आएगा और ये जगत में भोगते रहेगा। इसको अमृत तो नहीं बोला जाता, अमृत तब क्या है, अमृत क्या है मतलब ये शरीर हम है, ये देहात्म बोध इसके इससे छुटकारा मानना जरूरी है। जैसे परीक्षित महाराज को सूचना मिली जो आपको 7 दिन के अंदर मरना है, परीक्षित महाराज 7 दिन का अंदर इसका सल्यूशन निकलने के लिए बैठा, परीक्षित महाराज कोई बद्धजीव नहीं है, एशो महाभागवता भागवत में 3-4 जगह इसका बारे में कहा गया, फिर भी परीक्षित महाराज सारे अनित्य वस्तु राज्य राजधानी बीवी बच्चा सब छोड़कर अपना अमृत का संधान आ पहुंचे सुक्ताल क्षेत्र, जहां मणि ऋषियों का बीच में बैठ के मणि ऋषियों पहुंच गए
अपना तलाश कर रहे, संधान कर रहे कैसे अमृत मिले। अंतिम में जद्रिच्छा भगवत इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर सुखदेव गोस्वामी आ पहुंचे। अभी सारे तमाम दुनिया उठकर खड़ा होके साधु संत सब दंडवत किए, क्योंकि अभी समाधान होगी, क्योंकि ये भक्ति 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 तत्व का भागवत धर्म का आचार्य है। भक्ति भक्तो तत्ववेत्ता, भक्ति भगवान भक्तो, ये सारे तत्ववेत्ता अर्थात भागवत धर्म का तत्ववेत्ता पुरुष है। अमृत इसका पास है ही है। ये शरीर में जो देहात्म बोध, इससे छुटकारा मिलना कोई आसान बात नहीं है। आत्मा शरीर से पृथक वस्तु है, आत्मा जो शरीर से पृथक वस्तु है, ये अनुभव करना मुश्किल है। इसका जो ज्ञान जो है, अगर हृदय में बैठ जाए, ये जीवन जिंदगी अनित्य है, कुछ नहीं है, और ये जो तत्व ज्ञान, ये जो तत्व ज्ञान है, ये भगवत तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ करना, ये अमृतत्व है। और भागवत जी महापुराण ने तो और गहरा विचार भगवान जी ने बताए, मई भक्ति ही भूतानम अमृतत्वाय कल्पते। अब भाग एक ही है, तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठा और भक्ति प्राप्त करना अलग बात नहीं है। भगवत तत्व विज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, प्रतिष्ठा हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, और भक्ति प्राप्त करना अलग बात नहीं है, एक ही है। आत्मानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, अलग अलग नाम पड़ा है अमृतत्व। परीक्षित महाराज 7 दिन का समय लेके बैठा, हमारा जिंदगी में एक पल भर का भी कोई गारंटी नहीं है, कब कहां हो जाए। और अंतिम में जब भगवत तत्व विज्ञान को उपदेश करने का बार सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं अभी, तब परीक्षित महाराज आभार प्रकट करते हैं, बोले बड़ा अनुग्रहितोस्मि कृतार्थोस्मि यद भवता करुणात्मनः श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनम हरि। बड़ा आभारी हूं, आप कितना कष्ट करके हमको ये अप्राकृत जगत का जो भगवत तत्व विज्ञान आप हमको उपदेश किए। कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हूं, अनुग्रहितोस्मि, आपके कृपा को प्राप्त किए, अनुग्रहितोस्मि, अनुग्रह को प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि आपसे ये सब अप्राकृत भगवत तत्व विज्ञान को सुनने को मिला। साबितो जच्चमे साक्षात अनादि निधनम हरि, अनादि इन्फिनिटी अनंत काल जो एक तत्व स्थिर भूमिका में अद्वैत ज्ञान तत्व, इनके बारे में आप पूरा साबिचो जच्चो में साक्षात अनादि निधनम हरि। ऐसा स्थिति तो अमृत बोलने से हम ऐसा समझे, अमृत आस्वादन योग्य है। अमृत बोले तो कोई खाना, अमृत कोई खाने का चीज है, जैसे स्वर्ग में सागर मंथन करने के बाद अमृत मिले, ये कलश है, बहुत टेस्टी है, वो खाए तो जड़ा वैधि क्लम क्लांति मौत, मौत मतलब एक काल पतन, वो टायर्डनेस है, बुढ़ापा नहीं आएगा, ये अमृत है। लेकिन गुरु वैष्णव तत्वित पुरुष कभी ये कुंभ मेला में मिलने वाला जो अमृत है इसके लिए तैयार नहीं है,
प्रभुपाद जी के कभी भी कुंभ मेला में स्नान मनाने के लिए व्यस्त नहीं, कभी हमारा गुरुवर को देखा नहीं। हम तो जिंदगी में कुंभ मेला में गया ही नहीं आज तक, कोई एक भी कुंभ मेला कोई टेस्ट हमको कोई इच्छा ही नहीं होती, नहीं। कुंभ मेला में क्या करे, गुरु वैष्णव जो चीज दिया है उसी को देखो तो उसी में अमृत है, क्या करे। सदा हरि नाम रटन तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, सदा हरि नाम बोलने में बहुत इजी, करने जाओ तो पता चले कौन कितना बड़ा हनुमान हुआ तो यह तत्व ज्ञान लाभ करना यही अमृतत्व है। ये अमृतत्व जो है कभी आत्मानंदो नित्यानंदो ब्रह्मानंदो प्रेमानंदो अलग अलग रूप से है। हमारा नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु है, नित्य आनंद देते हैं। एक ही तत्व है, तीनों रूप में है, तो जो जैसा अनुभव के अनुसार आनंद को लूटते हैं वो ऐसा आनंद, जो ब्रह्म को समझने वाला जो ब्रह्मानंद, आत्मा को समझने आत्मानंद, भगवान को समझने वाला प्रेमानंद और नित्यानंद। ऐसा करके अमृत बोलने से ये सब चीजें सामने आए। ये अमृत क्या चीज है ये खुलासा करके रख दिया। देखो अमृत ये है, यंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सब समो दुख सुखम धीरम सो अमृतोत्ताय कल्पते। उसका लिए अमृत मौजूद है। जीवन जिंदगी को मधुमय कर देंगे ये आप शीतोष्णो सुख दुख मान अपमादि ये दंदाराम दंद सहिष्णुता अगर किसी का जिल में आ गया ये महाफल, महाफल को प्राप्त करेंगे। ये महाफल क्या है, महाफल अमृत है। जीवन जिंदगी को मधुमय कर दे, कोई सेंटिमेंट नहीं है, बच्चा का माफी। अरे किस लिए कर रहे हो, क्या प्रॉफिट मिलेगा, अरे प्रॉफिट क्या है, ठाकुर जी सेवा दिया कर रहा है, कौन सी प्रॉफिट का पीछे मैं लगाऊं हैं, इतना प्रॉफिट हो तो ये करे, कुत्ता का माफी बिजनेस में। ये महाफल मधुमय करते जिंदगी, जीवन जिंदगी को मधुमय अगर करके देखो प्रैक्टिकली अपना जीवन में, कोई भी शास्त्रों का पाठ करो सुनो ध्यान से और उसको अपना जिंदगी में लगाने का कोशिश करो, अप्लाई करने का इन अप्लाइड फॉर्म। अगर अपना जीवन जिंदगी में अगर लगाना असंभव है तो वो प्रवचन का जरूरी है नहीं, ऐसा मापिक प्रवचन बहुत बकता है, हमको नहीं चाहिए। जो खोद कर रहे सहन कर रहे शीत उष्णो सुख दुख चो कोई भी निडर निडर होके कोई हमको अपमान करे, ऐसा बोल दिया तो ऐसा बोल दिया, तो शास्त्र में है तो बोल दिया, किसी को मनाने के लिए तो ये कथा नहीं है, ठाकुर जी को रिझाने के लिए कथा है। कोई दुखी हो कोई सुखी हो तो इससे मेरा क्या मतलब है, मेरा सब तो किसी का दुश्मनी नहीं है, दोस्ती दुश्मनी दोनों ही खराब, दोस्ती बनाना है तो गुरु वैष्णव का साथ भगवान का साथ। ऐसा करके ठाकुर जी विचार करके बताया कि देखो जो आगा सहन करे तो उसको अमृतो मिलता है। कठोपनिषद में ऐसा एक बात आता है, जदा सर्वे प्रभिदंते हृदय से हो ग्रंथयो हो अथो मर्तो अमृतो भवति एतावद अनुशासनम। एक ही बात है, एक ही बात जो हमने बताया कठोपनिषद में, यह बताया कि जदा सर्वे प्रभिदंते हृदय से हो ग्रंथयो हो अथो मर्तो अमृतो भवती एतावत अनुशासनम। यहां तक शास्त्र का अनुशासन है,
कि ये जीवित अवस्था में जब हृदय का सारे ग्रंथियां कामना वासना सारे ग्रंथियां जो विनष्ट हो जाए, क्षय प्राप्त हो जाए, तब ये मरणशील व्यक्ति अमर हो जाता है। एतावत यहां तक वेदांत शास्त्र का ही सार कथा कठोर ने बताया भवती एतावत अनुशासनम। अब वेदांत को अभी ये बताए, वेदांत को अमृत में, वेदांत का अंतिम में क्या है, भागवत का अंतिम में क्या है, तमाम 18,000 श्लोक भगवत पाठ करने के बाद नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप पनाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम, यही है ना, ये भागवत का अंतिम श्लोक। और वेदांत सूत्र का क्या है, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्दों का अनुशीलन करते चलो तो इससे तुम्हारा जीवन जिंदगी का जो चक्कर चल रहा है वो अंतिम घड़ी पर पहुंच जाए। मतलब नहीं समझा, मतलब क्या समझो, शब्दों मतलब भगवान का नाम, जिसको भागवत ने ऐसे ही इसलिए बोला ना, सर्व वेदांत का सार है भागवत, इसलिए बताया ना, वेदांत में खुलासा नहीं किया लेकिन भागवत में तो खुलासा कर दिया। नाम संकीर्तनम जस्सो सर्व कश्यो कश्यो, वो हरि, वो कृष्ण, वो गोविंद, इनके नाम, नाम संकीर्तनम जस्सो सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम, वो परम हरि को मैं दंडवत ज्ञापन कर। और भागवत में खुलासा करके रख दिया लेकिन वेदांत में खुलासा नहीं, कौन सी शब्द है हमारा, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्द, अरे कौन सी शब्द ये तो बताओ, अनावृत्ति शब्दात मतलब अनावृत्ति शब्द ये हरि का नाम, हरि का नाम अगर ग्रहण करे निरंतर, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, ये अगर जीवन जिंदगी में सिद्ध हो जाए, नाम 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 का जो प्रभाव, नाम का जो शक्ति, नाम का जो अनुभव, ये अगर जीवन जिंदगी में अनुभव हो आ जाए, अनुभव में आ जाए तो क्या, और क्या रखा, सब तो हो गया, पूर्ति हो गए ना सारे, नाम मतलब नाम में ही सब कुछ है, नाम अगर आ गया कृपा कर दिया तो नाम का सही ढंग से नाम करने का प्रचेष्टा करनी चाहिए, पूरा पूरा लगन लगा के एकदम आंखें मुद के आराम से। अब ये हो नहीं पाएगा, चंचल हृदय बेचैनी हर वक्त इसी अवस्था पे हरिनाम करना संभव नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये बताए कि आप अपना जबान पे हरिनाम रटते चलो, हरे कृष्ण और हाथों पे काम करते चलो। भक्तिविनोद ठाकुर लिखा है, भक्तिविनोद ठाकुर भजन कुटीर में लिखा हुआ है, देखना अभी भी, आप लोग जबान पे हरिनाम रटते चलो और हाथों पे काम करते सेवा करते चलो, कभी ना कभी आपका जबान पे वास्तव हरिनाम का स्फूर्ति होगी, वास्तव हरिनाम आ जाएगा। सेवा छोड़ के हरिनाम, हरिनाम छोड़ के सेवा, दोनों में एक भी काम नहीं। अगर तमाम सेवा कर दिया हरिनाम नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। नाम और सेवा एक दूसरे का कंपेंसेटिंग फैक्टर, परिपूरक। जब हम सेवा करें, नाम को भूल गया, नाम को भूल गया मतलब भगवान को भूल गया, तो कौन सी सेवा है, ये तो कर्म हो गया। अगर सेवा करने का टाइम में भी होश होश में है, पूरा होश में है कि मेरे को ठाकुर जी का कृपा प्राप्त करना है,
और नाम रटते चलो हर वक्त, कोई भी सेवा करो, यही है भजन का रहस्य है। नाम और सेवा ये कोई अलग वस्तु, सेवा करने जाए तो नाम भूल गया, नाम करने जाए तो सेवा भूल गया, ये कोई भक्तों का कोई काम ही नहीं, ये भक्त ही नहीं है, ये कोई विचार ही नहीं है। एक भक्तों का टीम है, दल है, तमाम परम पूजा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का पास पहुंचे, बहुत दिन पहले का बात, आज का बात नहीं, और महाराज जी का पास अब आना जाना उस जमाने में संभव, तो गुरु जी को लॉक करके रख दो, खुलेगी 5 बजे 7 बजे, ऐसे पागल सब। सिद्धर गोसि महाराज दिन भर हरिकथा बोलते थे, सुबह में दोपहर में, अरे बाप रे बाप, हा यही तो सेवा है, यही तो भजन है। आज तमाम दुनिया का आदमी आते रहते हैं महाराज समाधान प्राप्ति करने के लिए, और एक संतों का दल आया और जाके महाराज तो क्या है, बोले हमको तो इतना से हमारा तो सेवा इतना है, और सेवा करते करते टाइम ही नहीं मिलता, कब हम नाम करें। पर समय समय ने बोलते नाम करना जरूरी है, हम नाम कब करें। महाराज जी ने उत्तर दिए, देखो हरिनाम और सेवा कोई अलग वस्तु नहीं है, एक दूसरे का कंपेंसेटिंग है, परिपूरक है। हम लोग सेवा करते हैं कि नाम हमारा जवान पे स्फूर्ति हो जाए। हम सेवा क्यों करते, ठाकुर जी को रिझाने के लिए, संतुष्ट हो जाए और हमारा जवान पे ठाकुर जी का वास्तव नाम का स्फूर्ति हो जाए। हरे कृष्ण बोलने से राधा गोविंद जी स्वयं उपस्थित हो, गौर हरि बोलने से गौर उपस्थित, वास्तव नाम का साक्षात्कार हो जाए। और नाम करते हैं ज्यादा सेवा का, हम क्यों नाम करते, ठाकुर जी और ज्यादा सेवा देंगे, बहुत सेवा, लक्ष्य नाम जरूरी है, चाहे क्यों ना मर जाओ लेकिन लक्ष्य नाम 1 लाख नाम जरूरी है करना, कोई कोई उसमें कोई सलूशन नहीं, नहीं इसमें कोई समाधान नहीं। 1 लाख नाम एक गौरंग महाप्रभु का आदेश है, चाहे जितना भी प्रवचन कर लो, जितना ही किताब लिखो, कुछ भी करो, ट्रांसलेशन कुछ भी करो, भागादोरी करो, अनुष्ठान करो, लेकिन नाम से छुटकारा नहीं, 1 लाख नाम जरूरी है। बिना 1 लाख नाम गौरंग महापू किसी का हाथ का पानी नहीं पीते, लिखा है गौरंग महापू बोले, लक्ष्यपति हस्त में हाथ में मैं खाता हूं, जो लक्ष्यपति नहीं है तो हम कैसे खाए। पोपा जी को हयग्र ब्रह्मचारी एक दफे भक्त लोग हयग्र ब्रह्मचारी देखने में बहुत सुंदर, स्वभाव का भी बहुत सुंदर व्यवहार, बड़ा मीठा स्वभाव, और प्रभुपाद जी का प्रिय पात्र है, ये सब भक्त लेके भी के प्रभुपाद जी को थोड़ा मनाओ और आप बताओ कि कैसे नाम करे, कुछ समय नहीं मिल रहा, 1 लाख नाम प्रभुपाद का आदेश है, कब करे, बस हर दिन सेवा चल रहा है हर समय। और माधव गोस्वामी महाराज जाके एक पंखा, एक हैंड फैन, हाथ का पंखा लेके, तलपत्ता का पंखा लेके, और पंखा झेलने का काम शुरू कर दिया, प्रभुपाद जी माला कर रहे हैं। और इस समय में बोले प्रभुपाद एक प्रश्न लेके आए हैं, और क्या प्रश्न है, बोले बताए, बोले हाँ बताओ आए। एक बात बताने का भी हिम्मत नहीं था किसी का, प्रभुपाद का सामने जवान खुलने का, इतना गंभीर, और बताए प्रभुपाद हम लोग नाम कैसे करें, सारा दिन तो सेवा सेवा में अगर गए, सेवा तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि सेवा में दुखी हूं, लेकिन नाम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, कब करे। पोपा जी ने गंभीर होके बोला, क्यों रात को क्या करते हो आप लोग, मतलब रात को सो मत, नाम करो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई सलूशन नहीं, ना ना, शुद्ध भक्ति में कोई आतात नहीं है। आतात जानते हो, कांग्रेस और ये बीजेपी आतात कर दिया, आतात इसको बोलता है, ये चलेगी नहीं,
शुद्ध भक्ति ऐसा है, इसमें कभी मिलाने वाला मिलावटी चलता नहीं। तो ऐसा है कि जब तक ये विचार आया जे जंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समो दुख सुखम धीरम सो अमृतोत्ताय कल्पति, वो अमृत प्राप्त के लिए ऐसे तो विचार करके देखा जाए, ये सब विचार जो है इसमें यही बनता है कि सब ये तो भक्ति है, ये तो भक्ति है। भगवान ने बताया कि ये तो भक्ति है, मई भक्ति ही भूता नाम अमृतोत्ताय कल, मेरा प्रति जो जीवों का जो भक्ति है यही अमृत है। वास्तविक रूपे आत्मानंद ब्रह्मानंद सब जो है, हमने बताया कि सब में भगवान का भक्ति है ही है, लेकिन भक्तों में भक्ति ज्यादा है। जो ब्रह्मानंदी है उसको भक्ति नहीं है बिल्कुल, ये हुई नहीं कि तो ब्रह्मानंदी बना कैसे। भक्ति परम स्वतंत्र, भक्ति किसी का बस में नहीं, भक्ति भक्त जो भक्ति जो है किसी का बस में नहीं है, ये अपने आप में स्वयं संपूर्ण संपूर्ण भक्ति, इसीलिए किसी का बस में नहीं है। लेकिन चाहे योग है आत्मानंदी बन जा बनना चाहे ब्रह्मानंदी बनना चाहे कोई भी कुछ करने चाहे, अगर भक्ति देवी का जरा सा भी कृपा ना हो, कृपा कटाक्ष हो, तो उसका उसका लिए संभव नहीं है। भक्ति स्वयं स्वतंत्र है, किसका बस किसी का बस में नहीं है। इसका बाद जो है ठाकुर जी ने अर्जुन को बताए कि जो देखो हमने ये भी बताया कठोपनिषद का याद करके रखना, जदा सर्वे प्रभिद्वन्ते हृदयस्य इहो ग्रंथयो अथो मर्तो अमृतो भवति एतावद् अनुशासनम्। और यही है वेदांतो तमाम वेदांतों का अंतिम उपदेश, अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात अनावृत, मतलब अनावृत शब्दात मतलब भगवान का नाम का अनुसरण करो, करने से आपको सब मिल जाए। अनुशीलन, अनुशीलन शील अर्थ सौंदर्य, अनुआत्म अनुगत्व है गुरुवान मत करे, तो ये जो है अभी दूसरा श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो ना सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः उभयो रूपी दृष्टो अंतस्तु अनयोस्तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी मतलब जो तत्व दर्शन करने वाले हैं इनके द्वारा उभयोरोपी सद्वस्तु क्या है असद वस्तु क्या है ये विचार करना जरूरी है। भक्ति सूत्रों में है, नारद भक्ति सूत्र में जम लब्धापमानो सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्तो न किंचित वांछति न सचति न देष्टि, भक्ति सूत्रों में एक ही बात हमने बाबा, जो प्राप्ति करने के बाद जो वस्तु प्राप्ति करने के बाद जंग लब्धापमानो प्राप्ति करने के बाद सिद्ध हो जाते, सेवा सिद्ध क्या है सिद्ध हो बार बार ये सिद्ध बात जो है सिद्ध मतलब भक्ति सिद्धि हमारा विचार है। दूसरा जो जोग सिद्धि है ये सिद्धि है फलाना सिद्धि है उसमें क्या है, इसमें और भी बंधन हो सकता है। अरे जोग का सिद्धि मिले जोग का सिद्धि ऐसा मिला, जोग का सिद्धि अष्ट सिद्धि है बहुत सारे, और जोग सिद्धि का ऐसे एप्लीकेशन कर दिया
इसमें पुनः बंद दशा में आ गए, नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, बस हो गया। तो जम लब्ध्या पुमानो सिद्धो भवती अमृत भवती तृप्त भवती, पहले बोला सिद्ध भवती, उसका बोला अमृत भवती, उसके बाद तृप्त भवती, डिसेटिस्फेक्शन बोल के कोई चीजें नहीं रहेगी। यं प्राप्पो न किंचित वांछंती न सचती न दृष्टि, किसी का दुश्मनी नहीं है, किसी चीज का लिए दुख कोई सोचना भी नहीं है, अनुसोचना नहीं है, पूरा का पूरा तृप्त, सेल्फ कंटेंट, सैचुरेटेड अवस्था हृदय का, अमृत भवती, वो स्वयं अमृतमय हो जाते, स्वयं अमृतमय हो जाते, जंग लोग दापमान सिद्ध हो जाते, सिद्ध मतलब सेवा सिद्ध, ऐसा अवस्था। तो 16 नंबर श्लोक में ठाकुर जी बताए अर्जुन को, ना असतो विद्यते भाव, असत वस्तु कहाँ है तुमको दिखा, ना असतो विद्यते भाव न अभाव विद्यते सत, सत वस्तु नित्य वस्तु का कोई अभाव नहीं है और असत वस्तु का कोई रियलिटी है ही नहीं। ये तो अनित्व है, मतलब ये रहने वाला नहीं है कुछ नहीं। उभय, ये उभय तत्व को जो लोग दर्शन करता है पक्का दर्शन, उभयोरूपी दृष्टो अंतस्तु अनयो तत्वदर्शी भी, ये दोनों का पूरा के पूरा पक्का दर्शन होते रहते हैं। तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी महापुरुष है, ये लोगों के सामने ये पूरा खुलासा क्लियर दिखाई पड़ता है। ये कोई सामान्य श्लोक नहीं है, ये बोलने से समझ जाए हम असत वस्तु क्या है, सत वस्तु क्या है, कहां तक हम समझे, कहां तक हम विचार करें। अस धातु का मतलब सत, जो नित्य रहने वाला चीज है, औस्थी अस, अस धातु व्याकरण में इसमें सत शब्दों का निष्पन्न हुए है। अस धातु का अर्थ रहना, रहना तो सब तो है ना, ऐसा नहीं, नित्य रहना, जहां नित्य काल के लिए स्थित है वो सत्य है, नित्य है, जैसे भगवान नित्य है, जीवात्मा नित्य है, बोलो ये सब नित्य है। और जो रहता नहीं वो असत है, अनित्य है। आत्मा सद वस्तु है, जगत प्रपंचो देहादि तत्संबंधित सुख दुखादि असत है, क्योंकि ठहरता नहीं, चला जाता। इसका मतलब है आत्म वस्तु का नाश नहीं और देहादि सुख दुख का स्थायित्व व अस्तित्व ही है नहीं। देहादि चीजों का स्थायित्व नहीं, किंतु देहादि अस्तित्व न एक ऐसे, मायावादी लोग बोलता है कि ये तो संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, ब्रह्म वस्तु विकार प्राप्त होने के कारण ये सब सब दिखाई पड़ता है, लेकिन है नहीं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या माया विजृंभता, इट इज वन काइंड ऑफ मैजिक स्पेल ऑफ माया। तो माया क्यों बोल रहे, माया कहां से आया, आप मानते हो क्या माया है? ब्रह्म एक अद्वितीय है, ब्रह्म भिन्न, ब्रह्म छोड़ के दूसरा कुछ वस्तु है ही नहीं। अगर ऐसा अनुभव है तो यहां माया क्या चीज है? मायावादी लोग जो माया बोलते, मैं माया क्या जी,
मियते अनया इति माने जो 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 जहां नहीं जो 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 चीज नहीं है वो माया, तो झूठा के पीछे दौड़ रहे। मायावादी लोगों का कहना है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन गौड़ीय दर्शन अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखाए ये जगत संसार शरीर आदि सब जो है पांच सब है, मिथ्या नहीं है लेकिन अनित्य है। महाप्रभु जी ने बताया मिथ्या काहे को, ये तो दिखाई पड़ता है, मिथ्या नहीं है लेकिन अनित्य है, ये मान लो कि अनित्य है लेकिन मिथ्या नहीं है। मिथ्या कैसे कहे? मायावादी लोग बोलता नहीं, सारे जो सगत जगत संसार जो कुछ भी है दिखाई पड़ता है सब जगत का कोई संसार है ही नहीं, कहां से आपको? सुख दुखो ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये सुख दुख जो है ये अनात्मा वस्तु है। जगत प्रपंच में जितना तरह भोगने वाला चीज है, काल भी ये विचार करके दिखाया, प्रकृति और पुरुष एक साथ अनंत काल से रहते हुए ऐसा हुआ जे पुरुष का धर्म प्रकृति में संचालित हो गए, आ प्रकृति का जो प्रभाव सब पुरुष प्रकृति को भोगने के लिए तैयार, हैरान करने वाले बात, कोई किसी के ये आना संभव नहीं है। सांख्य तत्व में डबल एमए किए पास किए सब, फिर भी उसका अनुभूति नहीं है, मुकस्सा है सब कुछ, इतना इजी नहीं है। प्राकृति पुरुष जो योग है, ध्यान जमा के देखो, ये जगत में जन्म होने का बाद सारी चीज भोगने का इच्छा होती है, एंजॉयमेंट मूड, सारा वस्तु व्यक्ति लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़का के लिए उलझ पड़ते हैं बीच में, ये अट्रैक्शन जो है ये प्रकृति भोगने का इच्छा। लड़की का अंदर में जो आत्मा है ये भी पुरुष है, और लड़का का अंदर में जो आत्मा है ये भी पुरुष है। पुरुष मतलब जिसका पौरुष है, कर्ता अहम इति मन्नति, इसके द्वारा ही पुरुष से शब्द लगा। पुरुष मतलब ये इनो मेल फीमेल नहीं है, ये पुरुष का मतलब जनानी का अंदर में जो आत्मा है ये भी पुरुष, और मर्दाना के अंदर में जो ये भी पुरुष है। क्यों? ये दोनों में भोगने का इच्छा, कोई किसी को भोग नहीं कर सकता इस दुनिया में, जहन्नम में भेज सकता। लड़का कभी लड़की को भोग नहीं कर सकता, लड़की कोई लड़का को भोग नहीं कर सकती, संभव नहीं, असंभव, कैसे भोग करे? ये तो प्रकृति है पुरुष का, जो हमारा जो लड़का जो जो लड़का का जो शरीर है ये भी प्रकृति है, और जनानी का जो शरीर है ये भी प्रकृति है। प्रकृति खेती अपोते इसको बना के बैठा से अट्रैक्टिव है, दोनों में उलझ गए बीच में, चलो एंजॉय करो एक दूसरे को, सारे जहन्नम में जाने का प्रस्तुति और कुछ नहीं। पुरुष प्रकृति अनंत काल रहने के कारण पुरुष का प्रभाव प्रकृति में संचालित होके बैठा है, और प्रकृति का प्रभाव पुरुष का अंदर में संचालित होके कंटेमिनेशन कर दिया। वास्तविक रूप में सब प्रकृति जो है इनर्ट वस्तु है, इनर्ट वस्तु मतलब ये जड़ वस्तु है। महाप्रभु बताएं कि ये प्रकृति जो है ये जड़ वस्तु है, इसमें कुछ नहीं है कि, लेकिन पुरुष और प्रकृति ऐसा संयोग है, मन में लगता है कि प्रकृति भावी के प्राण है कुछ है ऐसा है फलाना है। जो प्रकृति देवी है वो तो हमारा अप्रागित जगत का जो भगवान का अंतरंगा शक्ति, ये शक्ति का जो छाया शैडो ये दुर्गा माया शक्ति बोल के, अप्राकृत जगत का जो भगवान वैकुंठ का जो जोग माया, जोग माया का जो रिफ्लेक्शन प्रतिफलन है जगत में,
छयेव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयेव जस्व भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्व च चेष्ट से सा गोविंदमादि पुरुषम तवाम भजामि। जिनके इच्छा का मुताबिक ये कर रही है सारे काम, ये छाया है दुर्गा। प्रकृति जो है ऐसे इनर्ट वस्तु है, फिर भी भगवान कह रहे प्रकृति क्या कर सकता, क्या सकती, क्या कर सकती है। तो ये जो श्लोक है इसमें न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो रूपी दृष्टो अंतस्तु अनयो तत्त्वदर्शी भी। जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है ये लोग को जानकारी है पूरा, तमाम चीजों को पूरा। असत असत हो मतलब असत वस्तु का अभाव, असत वस्तु का भाव जो है, असत वस्तु का जो भाव है, भाव मतलब सत्ता एग्जिस्टेंस। नासतो विद्यते भाव मतलब ये असत वस्तु का जो भाव है मतलब सत्ता है, स्थायित्व एग्जिस्टेंस इन रियलिटी ये नहीं है। असत वस्तु जो नित्य वस्तु है, सद वस्तु का अभाव अर्थात नाश कभी नहीं है, ये नित्य है। ना भावो ना अभावो विद्यते सतः, सद वस्तु का कोई अभाव क्या है? क्या आत्मा, आत्मा का कोई मौत है, कुछ है, नित्य वस्तु है। तो इसलिए आत्मा का अभाव के कारण तुम रो रहे हो। पितामह विश्व का शरीर है, द्रोणाचार्य जी क्या शरीर है, उसी नर देश के राजा जो काल बताया था वो क्या शरीर है, क्या जमराज जी महाराज जो दिखाए आप रो रहे हो किस लिए, स्वामी के स्वामी तो पड़ा हुआ है, उसी नर देश के राजा इसको उठा के ले जाओ। बोले नहीं नहीं, इसका अंदर में वो आत्मा, वो आत्मा जिसका लिए, किसका लिए रो रहे, किसका लिए रो रहे, रो रही हो आप लोग। बोले ये उसी नर देश का राजा क्या शरीर है क्या आत्मा है, शरीर है तो आपका सामने पड़ा हुआ है, अब ले चलो, वरना निकल गया आत्मा। ठीक है, तो जो आत्मा के लिए रो रही हो वो आत्मा को कभी देखी, देखे हो कभी, कभी आप देखे हो क्या, कभी देखे हो तो किसके लिए रो रहे, रोना धोना किस बात की। तो इसलिए इधर है सद वस्तु का अभाव अर्थात नाश भी नहीं है। तत्त्वदर्शी जो पुरुष लोग हैं, पुरुष है तत्त्वदर्शियों ने यही सदासत उभय चरम दर्शन कर सकता, उपलब्धि में लाया। चरम दर्शन मतलब जो अनुभूति का अंदर नहीं है, जो प्रवचन अपना अनुभूति का अंदर नहीं है वो प्रवचन सुन के क्या करे, वो तो डायरेक्ट रियलाइजेशन है नहीं, वो लेक्चर दे सकता, और लेक्चर सुन के हमारा तो तरक्की होना दूर की बात है, और नीचे चले जाए। अस अस धातु का मतलब ये रहना, अस्तित्व, ये सत शब्द यहां से आए। जो रहता है नित्य काल के लिए सत वस्तु है, जो रहता नहीं है चला वस्तु है, चलमान असत अनित्य है, और आत्मा ही सद वस्तु है। जगत प्रपंच देहादि अतत् संबंधित सुख दुखादि मानव मान जो कुछ भी है ये अनित्य है, ये मतलब यही है। अर्थात आत्मा का विनाश नहीं, और दुख सुख ये शरीर पंचभौतिक शरीर इसका अस्तित्व है नहीं, अभी है काल नहीं रहेगी। ऐसा करके धीरे धीरे समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, कह रहे हैं कि देखो ऐसा बात है, आत्मा का साथ ये सुख दुख मान अपमान इसका कोई तालुकात है नहीं,
मान अपमान सुख दुख इसका साथ आत्मा का कोई संबंध है नहीं। आत्मा नित्य वस्तु है, आत्मा वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव हमने उदाहरण दिया था, तालाब का सामने एक नारियल का पेड़ है, हवा का झोंका आया, तालाब का पानी हिलना शुरू कर दी और मानो कि लगता है कि ताल का पेड़ भी हिलना शुरू कर दी। ये उदाहरण एग्जैक्ट उदाहरण है, ये सही उदाहरण है। जब पानी में जो तेल ताल पेड़ का जो ये जो तुम्हारा नारियल का पेड़ का जो तस्वीर है वो हिल रहा है, नारियल का पेड़ हिल नहीं रहा पानी के साथ। ऐसा ही है आत्मा वस्तु स्थिर है, लेकिन माया के द्वारा ये प्रभाव के द्वारा प्रकृति के प्रभाव के द्वारा लगता है कि ये चल रहा है। तमाम ब्रह्म ब्रह्म आत्मा भगवान प्रकृति जीव जगत तमाम चीजों को लेके ये विचार प्रस्तुत हो रहा है। तुम और वो जो राजगण है अर्जुन, तुम हो ये राजगण हो, मतलब ये जीवात्मा तमाम सारे जीवात्मा जो है पहले भी था आज भी है मरने का बाद भी रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, वो तो चलते रहेगा ऐसा ही। इसमें दुखी होना कोई बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा करके विचार करके भगवान अभी कह रहे 57 नंबर श्लोक पे जो अविनाशी तु तद्विद्धि जेनो सर्वमिदम ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, ये जो अविनाशी तु तद्विद्धि जेनो सर्वमिदम ततम, जो ये शरीर में शरीर का तमाम हिस्सा में प्राण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्यों किस लिए? ये आत्मा वस्तु जो है चेतन वस्तु जो है नित्य वस्तु है। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिए, एक चंदन मल एक वास्तव मलय जो चंदन का टीका लगाया जाए, टीका माने एक बिंदी लगाया जाए फोटा, उसका जो प्रभाव है सारा दिन रहता है, एक ठंडापन महसूस होता है। चंदन का अगर चंदन का तिलक निषिद्ध है, ये तो राजसी ठाकुर जी के लिए अनुमोदित है, हम लोग प्रसाद ले सकता है, चंदन का इस्तेमाल हमारा काम नहीं है, उचित नहीं। भगवान का प्रसादी चंदन प्रसादी माला ठीक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येनो सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो नित्य वस्तु है ये आत्मा है, समग्र शरीर को व्याप्त होके रहता है, समग्र शरीर में व्याप्त होके रहता है। ये समग्र शरीर तमाम ततम माने व्याप्तो आत्मा, तो विनाश ये तो विनाश सुन, कोई भी आदमी कभी भी इसको विनाश नहीं कर सकता, विनाशम कर्तुम न अर्हति, इसको मारना संभव नहीं। शरीर भी ये जो आत्मा जो है सारा शरीर में व्याप्त होके रहता है, इसका एक्शन आत्मा रहने के कारण है, आत्मा रहने का कारण ही सारा शरीर में जितना सारे संचालन प्रकाश या आत्मा वस्तु। तो आत्मा वस्तु क्या चीज है समझो, समग्र शरीर में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, व्याप्त होके रहता है शरीर में।
ये आत्मवस्तु का विनाश करना किसी के लिए संभव नहीं है। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। कभी भी ये आत्मवस्तु का हनन करना मारना संभव नहीं है। ऐसा करके विचार करके ठाकुर जी दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो है विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं कि जीवात्मा मध्यम परिमाण अर्थात ये सूक्ष्म है श्रुति प्रमाण अनुपरिमाण और जीवात्मा शरीर व्यापी। उदाहरण दिए विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने जैसे लाक्षावृत, लाक्षा माने रेजिन रेजिन, लाक्षावृत महामुनि बा महा औषधि अगर गला में लटका के रखा है उसका प्रभाव जरूर पड़ना है। जैसे कि लाक्षावृत महामुनि बा महाऔषध सिरों में या तो बक्ष में बक्षस्थल में धारण कर लिया है कर लिया तो समस्त शरीर को पुष्टि साधन प्रभाव फैल सकता है। जीवात्मा सूक्ष्म अनुपरमान फिर भी तमाम शरीर व्याप्त होके रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, सर्वमिदं ततम ततम व्याप्त होके रहता है। और विनाशम अभ्यस्य अस्य कश्यो ये आत्मवस्तु का ना कश्चित कर्तुम अर्हति, इसको मारना संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। वेदांतों का चर्चा के अनुसार वेदांतों का दूसरा खंड है उसमें तीसरा चैप्टर में 24 श्लोक में गुणात अलोक बात, गुणों का विचार किया जाए तो गुणों गुणात अलग बात ऐसा लगता है कि आलो जैसा लाइट जैसा है, गुणात अलग बात। और विचार करके हम ये भी दिखाएंगे कि ये गुणात अलग बात तो ठीक ही है, लाइट नहीं है, क्वालिटी का विचार कर जो गुणात अलग बात। और जीवात्मा को अनुशब्द भी प्रमाण किया जा सकता है, जीव अनु फिर भी इस तमाम शरीर को व्याप्त करके व्याप्त होके रहता है ये आत्मा, इसका प्रभाव अनन्य प्रभाव है। सारा तमाम शरीर को प्रकाश करने वाले तो ये आत्मा ही है और कुछ नहीं है। इसको समझ के चलना। और अर्जुन देखो अंतबंत इमे देहा नित्य स्वक्त्वा शरीरिणः अनासीन अप्रमेयस्यो तस्मात् युद्धस्य भारत। अभी तक भगवान इतना आत्मतत्व का चर्चा की और अंतबंत इमे देहा ये शरीर शुरू है नाश है, ये शुरू है नाश में, अंतबंत इमे देहा नित्य सोक्त शरीर शरीरिण अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अनित्य अविनाशी अप्रमेय जीवात्मा अनित्य है, यह जो है नित्य अनित्य शरीर है लेकिन आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अपरिमेय है। जीवात्मा ये शरीर में है, ये शरीर सब जो शरीर पकड़ के रखा है जितना सारे जीवात्मा है शरीर लेकिन अनित्य है। बोलिए कहते तस्मात देखो इसमें शोक करने वाला कोई चीज है नहीं। सो शास्त्र विहित तो जो सधर्म है अर्थात तुम क्षत्रिय हो इसमें युद्ध नहीं करना तुम्हारा लिए दोषदायक होगी, दूध युद्ध बंद करना उचित नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य कर्म है।
युद्ध अगर करना तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है, उसको ना पालन करना अधर्म है, ये सोच के तुम कम से कम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इसमें कोई परेशानी है नहीं। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुण धारम मायानुकूलेन नवसते ऋतम पुमान भवादिम न तरे तु स आत्मा वांछ कल्पतरुष्य के पास इंद्र पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः।